सत श्री अकाल जी। सो अज जिहड़ा मैं तुहानूं हैंड पेंटिंग दा डिज़ाइन सिखाउण जा रही हाँ, उहदे ते इक पहला सिंपल जी शेप असीं ड्रॉ करके उहदे ते स्टॉक वर्क राहीं इक प्यारा जिहा फ्लावर क्रिएट करांगे। लाइक दिस, जिवें आ देखो फ्लावर बनाया उपर इस तरह करके, देखो एक कर्व करके उपर भी इस तरह जिन्ना कु तुसीं रखना चाहुंदे हो साइज़, और नीचे मतलब जिवें एक बाउल हुंदा ना उस तरह दी असीं शेप दे देनी है इस तरह। ठीक है, ओके। बस आ शेप आ, इसनों ध्यान में रखना, उस तो बाद असी आ वाले फ्लावर जड़े वो बना लेने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये लिए मैं ब्रश 8 नंबर का फ्लैट यूज़ कराँगी। ये ना मैं जो तो कलर शीशी चो कढ़िया ना सुक्का सी, तो वो करके सारे मेरे हाथ जड़े वो खराब हो गए। सो हुण देखो ब्रश की एक साइड पे पहला इनू गिला करके ना फिर साफ कर लेना साफ कपड़े के नाल। इस तरह मैं कलर लिया, ठीक है। देखो आ फ्लावर है, जिस तरह दो पार्ट्स में है ना साडा फ्लावर। देखो उपर इस तरह करके मूवमेंट ब्रश में लिया के छोटी जी पैटल असी बनानी है। दैन फिर देखो इस तरह, ठीक है। हूँ मैनू सारे मतलब कमेंट्स के कहें कि प्लीज़ हिंदी बोलिया करो, मैनू ना आदत आ पंजाबी दी। सो मैं कोशिश करांगी कि आने वाले समय के मैं हिंदी दे विच जड़ियाँ वीडियोज़ आ वो बनावा। और हूँ 3 पैटल्स उपर बनाइया। हूँ देखो थल्ले वाले हिस्से च आप इतों थोड़ा जहा तिरछा जहा स्टार्ट करना, ब्रश नू भी खड़े दा लेना इस तरह करके, ठीक है। ये स्टॉक वर्क दे नाल ही असी जिहड़ा फ्लावर आ वो रेडी करांगे। दूसरी पत्ती हो गई ते लास्ट तीसरी पत्ती भी असी इदा ही थोड़ा जिहा इत्थों तिरछा रखांगे, थोड़ी शेप जिहड़ी है ना उहदा भी असी खास ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह का फ्लावर उस तरह ही दूसरे जिहड़े होर भी दो फ्लावर हैगे ने साडे बंच दे विच, वो भी असी इदा ही बनावांगे, ठीक है। हुण जे तुसी उपरों चौड़ी भी पत्ती करना चाहुंदे ना, तुसी अपने जिहड़ा ड्रॉ कीता आ उपर पहला सिंपल जिहा बाउल टाइप एक शेप असी बनाई सी, तां उहनूं चौड़ाई च भी रख सकदे हो। उहदे नाल इह आ कि जे तुसी चौड़ाई च रखना ना फ्लावर, तां ब्रश नूं जिवें आ देखो मैं ज़्यादा प्रेस कीता, ठीक है, तां उहदे नाल थोड़ी जी साडी पत्ती होर चौड़ाई दे विच हो जाएगी। फिर नैक्सट इसे तरह ही जो तुसी देखो चढ़ाई च करना थल्ले आके असी उदा मिला देना है ना, कोई मैटर नहीं हुंदा पत्ती दा। जे मैं इसे ब्रश नाल थोड़ियां होर पतलियां जिहां पत्तियां बनाउणियां मैं वो भी बना लूँगी, मतलब तुसी भी जरूर बना सकोगे। बाकी जिहड़ी ये सारी खेड ब्रश दी आ कि ब्रश नूं असी किस तरह यूज़ करना, ते देखो बस ध्यान नाल देखो तुहाडा मतलब किस तरह तुसी ब्रश दी टेक्निक नू किस तरह सीखना है, ये ध्यान नाल देखो किस तरह मैं ब्रश चलानी है, ठीक है। आ देखो, ठीक है। हुण लास्ट फ्लावर साढ़े को रह गया। असल में ना मेरा जिहड़ा कलर आ वो सुक्का होया, मैं पहला इनू कढ लिया सीगा ते काफ़ी टाइम बाद आके मैं बैठी हाँ, मैनू ये सी मैं बनाउन लगी हाँ, पर फिर कोई ना कोई काम जिहड़ा सीगा वो विचों करके ते हुण मैं स्टार्ट कीता। उन्नी देर नू जिहड़ा मेरा ब्रश सॉरी कलर आ वो थिक हो गया, ते बाद विच मैं पानी भी नहीं पाया क्योंकि पानी भी जिहड़ा है ना वो फिर मैं इक्कदम सही भी नहीं सी आउणा इहदा टेक्सचर। हुण जे तुसी चाहो तो फ्लावर छोटे बना लो, चाहो तो ये तुसी वड्डे भी बना सकते हो, जिवें आ फ्लावर आ दूसरिया के कंपैरिजन छोटा आ। हुण देखो जड़ियाँ असी पत्तियां बनाउणियां ना इहदे विच वो भी असी सेम इसे मैथड नू फॉलो करांगे। पत्तियां नू एक शेप दे लैनी है तुसी सिंपल, जिस तरह पत्ती मान लो मैं तुहानूं इत्थे करके ड्रॉ दसदी हाँ सिंपल, जिस तरह आ पत्ती है साड़ी है ना, इस तरह तुसी बना लोगे पत्ती। हुण इनू
इस तरह तुसी डिवाइड कर लियो भी असी इस तरह स्टॉक वर्क के विच जाना है तो पत्ती नू उही इफेक्ट फ्लावर वाला देना है। किदां ध्यान नाल देखो, थोड़ी जी प्रैक्टिस जरूर लगेगा ये डिज़ाइन, बट बड़ा प्यारा बनेगा, यूनिक का। देखो सैप ग्रीन ते वाइट कलर मैं ब्रश दे दोनों साइड्स ते लिया, एक इसे तरह एक पैटर, दूसरी और इतों मैं तिखी दे देनी है। ठीक है, आपां देखो बहुत सारे मैथड, मान लो पेंटिंग या हूँ पेंटिंग दे विच आ सारी पत्ती मैं इको कलर दी भी कर दूंगी, या डबल कलर मिक्सिंग भी कर दूंगी, लेकिन ये चीज़ का इफेक्ट अलग आ, हर चीज़ का वक्खो वक्खरा इफेक्ट हुंदा है ना। तो जे असी हुण पेंटिंग सीखनी ही सीखनी है तो क्यों ना हर रोज़ असी नवी नवी टेक्निक्स जिहड़ियां उह सीखी, तो हर रोज़ नवी टेक्निक अपनाउणा, कम इको चीज़ नू बार बार करी जाइए तो थोड़ा नीरस हो जाता, बोरिंग हो जाता। पर जदों असी अलग अलग तरीके दे नाल पेंटिंग करांगे, अलग अलग मैथड दे नाल करांगे तो सानू भी मज़ा आउंदा आ, ते जिहड़े साडे व्यूवर्स आ सीखण वाले आ वो भी बहुत खुश हुंदे ने, क्योंकि उहनां नू भी कुछ नवां सीखण नू मिलदा। ते क्यों ना असी है ना कुछ नवां करिए, फिर दूसरियां पत्तियां भी सेम। मैनू उम्मीद है कि तुहानू समझ लग गई होएगी। ते बाकी ग्रिप जिहड़ी है ना ब्रश दी, उहनू जरूर समझना तुसीं। हर किसी दी टेक्निक वक्खरी आ ब्रश चलाउण दी। हुण जिस तरह मैं स्टॉक दे रही हाँ, इहनू मूवमेंट च भी तुसीं दे सकदे, जिस तरह इस तरह करके भी दे सकदे हो। पर मैं तुहानू ईजी वे दस रही सी, ईजी वे तां क्योंकि जिहड़े बिगनर्स हुंदे आ ना, फिर जे तुसीं एक वारी उस चीज़ नू फॉलो कर लोगे तो फिर अपने आप ही क्रिटिकल चीज़ तुसीं आपे कर लैनी, आपे तुसीं क्रिएटिव बन जाना, आपे सारा कुछ हैंडल कर लेना, तुहानू कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी। ठीक है, दो चार पत्तियां मैं भी वध ही बनाती हाँ तुहानू दसण वास्ते ही, जिवें इस तरह फ्लावर जिहड़ा फ्लावर आ उहनू किदां ड्रॉ करना। इत्थों थोड़ा तिखा भी तुसीं दे सकते हो, तो जरूरी भी नहीं हुंदा जे मतलब तुहाडे को बुरा इफेक्ट नहीं आया। देखो आ पत्ती थोड़ी जी उन्हां नालों अलग है बट सोहनी लग रही है। हुण बाकी इस तरह करके ठीक है मूवमेंट च तुसीं इहदे नाल नाल पत्तियां बना देनियां सेम मैथड यूज करके, फ्लावर्स के नाल भी इस तरह ही। ठीक है, मतलब सारे बंच नू सारे डिजाइन नू असी इक्को लुक दे रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं देन दी। उस तो बाद जड़ियाँ लाइन्स आ डंडियां ना उन्हां नू ज्वाइन कर देना। मैं वही ब्रश यूज कर रही हूँ, पर तुसीं इत्थे राउंड ब्रश लेना क्योंकि फ्लैट किसी तो चलता या डंडियां ते किसी तो नहीं चलता। ठीक है, तुसी राउंड लै सकते हो। और हुण छोटियां छोटियां ना इहदे विच असीं बर्ड्स बना देंगे इस तरह, ऑप्शन वाला बट बना लोगे तो जिहड़ा बंच आ भरिया भरिया भी बनेगा, सोहना भी बनेगा। थल्ले डंडियां गिल्लियां, थोड़ा जिहा कलर मिक्सिंग हो रही है जी। ठीक है, ओके, तो इहनू होर भी तुसी संगना कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि तुहानू वीडियो पसंद आई होएगी। अगली वीडियो लैके फिर हाजिर होवांगे, तद तक दे लई सत श्री अकाल जी।